नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीने चैनल नाइन इंग्लिश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि अभी आपने लाइव कमेंट्री तो देखी ही है। दोस्तों आज भारत के लिए पहला दिन जो गया है नेशंस कप में वो बहुत अच्छा नहीं गया है। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, अमेरिका के खिलाफ भारत ने 2-2 से ड्रॉ खेला, उसमें तीनों में दो खिलाड़ियों ने ड्रॉ खेला, विदित हार गए जबकि हम्पी ने जीत दर्ज की। जबकि भारत शेष विश्व के खिलाफ जीतते जीतते हार गया क्योंकि अधिपन का मुकाबला हारना भारत को भारी पड़ा और भारत 2.5-1.5 से शेष मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम थी उससे मुकाबला हार गया। ये वीडियो सिर्फ विश्वनाथन आनंद जी के बारे में है। उन्होंने पहले दिन दो मुकाबले खेले और दोनों काफी मजेदार थे, तो इसीलिए इस मुकाबले को मैं सोचा कि आपको दिखाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो मैच विश्वनाथन आनंद जी ने खेला वो था यहाँ पर नाकामुरा के खिलाफ, मतलब नाकामुरा सामना कर रहे थे यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी। तो मुकाबला शुरू होता है कुछ d4 नाइट f6 c4 e6 कुछ इस तरह से जो है मुकाबला शुरू होता है और यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी जो है वो सफेद मोरों से खेल रहे हैं। ओके, नाइट f3 d5 बिशप e7 बिशप f4 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, सेम वेरिएशन अगर आपको याद हो कासल e3 नाइट bd7 कार्लसन और नाकामुरा के बीच हुआ था। और यहाँ पर कार्लसन ने एक मैच में तो c5 पुश किया था और एक मैच में उन्होंने बिशप e2 खेला था, तो शायद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आनंद जी इसकी स्टडी भी करके आए होंगे। आनंद ने यहाँ पर खेला e3 c5 c2d5 knight into d5, यहाँ पर लगातार एक्सचेंजेस हुए knight into d5 e into d5 d into c5 knight into c5। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाइट के पास यहाँ पर ब्लैक के पास ये IQP पॉन पोजीशन है, मतलब एक आइसोलेटेड पॉन है, क्वीन पॉन है। बट यहाँ पर व्हाइट के पास आपको अभी यहाँ पर डेवलपमेंट करना बाकी है, बिशप निकालना बाकी है, कैसल करना बाकी है। तो इस टाइम बीइंग में अगर ब्लैक बेहतर कर ले, फॉर एग्जांपल एक बिशप को f6 पर ले आए, तो प्रेशर जो है वो उल्टा व्हाइट के ऊपर डाल सकते हैं। तो फिलहाल व्हाइट ने यहाँ पर खेल विश्वनाथन आनंद जी ने खेला बिशप e5 ताकि वो बिशप को एक्टिवेट ना होने दिया जाए। बिशप f5, सो नाउ रुक c1 गुड मूव, नाइट के ऊपर एक इनडायरेक्टली प्रेशर एक, और ये रुक c1 जो है वो नॉवेल्टी है। इससे पहले जो मैच में बिशप e2 वगैरह खेला गया है और नाकामुरा और वेस्ली सो के बीच अंतिम पोजीशन आई थी बिशप e2 बिशप f6 इस तरह से खेला गया था और ये भी ड्रॉ रहा था मुकाबला, तो इस तरह से ये मुकाबला हुआ था टाटा स्टील इंडिया में टूर्नामेंट में लास्ट ईयर मतलब दिसंबर में। विश्वनाथन आनंद जी ने इसमें इंप्रूवमेंट किया, रुक c1 खेला। ओके, नाइट e6 खेला यहाँ पर नाकामुरा ने, तो बिशप d3 बिशप d3 क्वीन d3 बिशप f6 बिशप यहाँ पर कासल बिशप f6 बिशप e5 नाइट e5 और आप देखोगे कमोबस सब कुछ यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ ये जो पॉन है, अगर ये पॉन एक मूव और ब्लैक होल्ड कर गया तो ये रुक आने के बाद ये पोजीशन जो है ये पॉन आपके लिए हार का कारण भी बन सकता है नाकामुरा के। तो नाकामुरा ने इसको इमीडिएटली एक्सचेंज करने का किया d4 बट रुक f d1। यहाँ पर एडवांटेज जो है स्लाइट एडवांटेज वाइट के फेवर में है, तो e into d4 यहाँ पर खेला queen into d4 knight d4 rook into d4 rook e5। इसके साथ ही ये तय हो गया था कि विश्वनाथन आनंद जी अल्टीमेटली या तो ये मुकाबला जीत जाएंगे या ड्रॉ तो कम से कम होने वाला है। इसके बाद इंटरेस्टिंग कैसे हुआ देखिए, रुक d7 सेवंथ रैंक पर रुक पहुंच गया और अब जैसे ही आप rook d7 जैसा मूव खेलते हैं तो दिमाग में ये मूव भी नजर आता है कि कभी ना कभी ये आ सकता है। rook b5 खेला यहाँ पर नाकामुरा ने, सो rook c2। ओके, सो नाउ a5 यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने जगह बनाई किंग के लिए g3, तो अपोनेंट ने भी ठीक वैसे ही किया g6 एंड नाउ rook c7 खेला यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने। और ये जब rook f5 पोजीशन आया तो ऐसा लगा कि जैसे rook b7 विश्वनाथन आनंद जी ने मारा तो ऐसा लगा कि ये गेम विश्वनाथन आनंद जी जीत सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम जानते हैं कि डबल रुक एंड गेम मोस्टली ड्रॉ भी होते हैं। तो जैसे h5 तो h4 स्पेस दोनों साइड स्पेस ना ज़्यादा लेने दिया, अपने लिए भी क्रिएट किया। rook c8 यहाँ पर एक दो इम्प्रूवमेंट हो सकते थे आगे चल के, जैसे rook d2 खेला विश्वनाथन आनंद जी ने ठीक था, king g7 king g2 rook c1 के बाद यहाँ पर विश्वनाथन जी ने a4 खेला, तो एनालिसिस में कई बार ये पता लग रहा था कि शायद rook b3 और थोड़ा होल्ड करके कोशिश करते ये रुक एक्सचेंज हो जाएगा, तो शायद ये जो पॉन है इसको डिफेंड करना मुश्किल पड़ सकता था एंड गेम में। खैर आगे देखते हैं, अभी सब कुछ इतना आसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो a4 खेला विश्वनाथन आनंद जी ने, rook c4 b3 rook c3 कोशिश कर रहे थे वो पुश करने की, लेकिन rook e2 rook cf3 सो rook a2 rook c3। तो यहाँ पर आपको देखिए कि अगर ब्लैक को प्रोग्रेस करना है वाइट को तो कभी ना कभी b4 खेलना पड़ेगा, लेकिन b4 खेलने में प्रॉब्लम ये है कि ab4 और ये रुक a5 पर जाके बैठ जाएगा, इस पॉन को ब्लॉक कर देगा। और वही हुआ मैच में, विश्वनाथन जी ने b4 खेला, ab4
रुक इनटू बी फोर, रुक ए फाइव, तो पास पॉन तो है लेकिन डबल रुक की वजह से उसको प्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, और रुक डी टू खेला विश्वनाथ आनंद जी ने, लेकिन एक बार रुक ए थ्री बैठ गया तब आपको ये भी फोर्स मूव है, तो यहाँ पर भी रुक ए सेवन, रुक एफ फोर, किंग जी एट, किंग एफ वन, रुक ए टू, विश्वनाथ आनंद जी ने थोड़ा सा ट्राई किया, उसके बाद उन्होंने भी ज़्यादा इसको फोर्स नहीं किया पोजिशन को और इस पोजिशन को ड्रॉ ले लिया। तो ये था नाकामुरा के साथ उनका मुकाबला विश्वनाथ आनंद जी का, जो कि ड्रॉ रहा। तो नाकामुरा चूंकि फास्ट शतरंज के आप जानते हैं कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी मैग्नस कार्लसन लीग में कार्लसन को भी हराने के करीब पहुंच गए थे लेकिन अल्टीमेटली दूसरे स्थान पर रहे, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि नाकामुरा को कितनी तैयारी है, कितनी प्रैक्टिस है, युवा हैं। विश्वनाथ आनंद जी ने अगर उनको इस तरह से ड्रॉ पर रोका है जहाँ पर आनंद जी का अपर हैंड है, तो एक शानदार मुकाबला कहा जाएगा विश्वनाथ आनंद जी के लिए। दूसरा मुकाबला देखते हैं जो कि खेला गया, और दूसरा मुकाबला विश्वनाथ आनंद जी ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के खिलाफ पहले बोर्ड पर खेला तिमूर रज्जबोव के खिलाफ। रज्जबोव जो कि विश्व कप विजेता हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में भी 10वें स्थान पर है फिलहाल, तो इनके साथ जो मुकाबला हुआ आनंद इनमें काले पीसेस से खेल रहे थे और बड़ा ही रोचक हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, डी फोर नाइट एफ सिक्स, सी फोर ए सिक्स, नाइट एफ थ्री डी फाइव, नाइट सी थ्री बिशप बी फोर, बिशप जी फाइव, एच सिक्स, बिशप एफ सिक्स, क्वीन एफ सिक्स, तो राघोजिन डिफेंस हुआ यहाँ पर, ई थ्री, कासल, रुक सी वन, बिशप डी इंटू सी फोर, बिशप इंटू सी फोर और सी फाइव। ये विश्वनाथ आनंद जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन जो चुनाव किया जिसका सी फाइव का। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, डी इंटू सी फाइव, यहाँ पे एक्चुअली अगर आप बी सी फाइव वगैरह भी खेलो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलता है, मतलब अगर आपने बी सी फाइव भी खेला यहाँ पर तो ये काम करता है और ये पोजिशन इक्वल रहती है। विश्वनाथ आनंद जी ने चुनाव किया यहाँ पर, उन्होंने खेला नाइट डी सेवन, ओके, कासल, नाइट इंटू सी फाइव, यहाँ पर नाइट बी फाइव, रुक डी एट, सो क्वीन ई टू जो खेला यहाँ पर रज्जबोव ने, ये एक नई चाल है, इससे पहले नहीं खेली गई। अब यहाँ पे क्या था कि विश्वनाथ आनंद जी को शायद इस तरह से खेलना चाहिए था जो कि सही चाल थी, जैसे ए सिक्स, अगर अपोनेंट ए थ्री करता है तो ए इंटू बी फाइव, ए इंटू बी फोर, टू सी फोर, यहाँ पे टू, एंड नाउ बिशप सी सेवन, नो, और इवन यहाँ पर बी फाइव खेल सकते हैं क्योंकि अगर अपोनेंट मारता भी है तो बिशप बी सेवन, एक्चुअली मैं इस पोजीशन में अभी इसको पॉन को मारा नहीं जा सकता, रुक से मारेंगे तो ये पिनिंग आ जाएगा और अगर आप क्वीन से मारेंगे तो बिशप इंटू एफ थ्री जो है वो आ सकता है। तो अल्टीमेटली ये पोजीशन जो थी अच्छी थी ब्लैक के लिए, लेकिन विश्वनाथ आनंद जी ने यहाँ पे खेला, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जो नेचुरल मूव है, जैसे जो नेचुरल मूव दिखता है जैसे बी सिक्स वगैरह, तो वो खेल नहीं सकते आप नाइट पर सपोर्ट लगाने के लिए क्योंकि ए थ्री, बिशप ए फाइव और बी फोर आ रहा है, तो इसीलिए विश्वनाथ आनंद जी ने पहले बिशप ए फाइव खेला। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है, क्या ए थ्री बी डी, यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी ने नाइट ई फोर खेला, यहाँ पर भी ए सिक्स अच्छा मूव हो सकता था क्योंकि नाइट सी थ्री अगर आप पीछे जाओगे तो ये एक्सचेंज के बाद ब्लैक फाइन है। तो नाइट ई फोर खेलने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बिशप डी थ्री, नाइट डी सिक्स, ये जैसे एक्सचेंज हुआ अभी रुक एफ डी वन गुड मूव आया। अब आप देखिए कि वाइट के दोनों रुक जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, ब्लैक को अभी भी इस बिशप का प्रॉब्लम, इस रुक का प्रॉब्लम है, और यहाँ पर आप इस तरह से भी नहीं खेल सकते कि आप बी डी सेवन यहाँ पर निकाल लो क्योंकि बिशप इंटू एच सेवन चेक आ रहा है और उसके बाद आपका एक्सचेंज चला जाएगा। तो रुक डी एट खेला विश्वनाथ आनंद जी ने वापस और बिशप ई फोर के बाद क्लियरली प्रेशर था। अब यहाँ पर बहुत ही सरप्राइजिंगली कुछ होता है, ए सिक्स तो बी फोर, बिशप बी सिक्स, रुक इंटू डी एट, क्वीन इंटू डी एट, यहाँ पर साफ तौर पर वाइट बेटर दिख रहा था, नाइट ई फाइव, और यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी ने एक मूव खेली। अभी भी देखिए आप बी डी सेवन वगैरह नहीं खेल सकते वरना रुक डी वन आ जाएगा, तो विश्वनाथ जी ने ब्लफ खेला एक प्रकार से एफ फाइव और यहाँ पे फंस गए। और आप कहें कि एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब लगा ऑकवर्ड क्योंकि ये ऐसे खेल सकते थे बिशप एफ थ्री करके, यहाँ पे बिशप सी सेवन, नाइट जी सिक्स, वाइट बेटर रहता है इस पोजिशन में। यहाँ पे एफ फाइव जैसे खेला विश्वनाथ जी ने तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया अपने बिशप को तैमूर रज्जबोव ने, क्वीन एच फाइव आ गए और उसके बाद जैसे विश्वनाथ जी ने एफ इंटू ई फोर मार लिया। अब प्रॉब्लम ये है क्वीन एफ सेवन, किंग एफ सेवन, यहाँ पर कुछ निकलना ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, तो काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने रिपीटेशन किया और क्वीन एफ सेवन, किंग एफ सेवन इस तरह से और मुकाबला ड्रॉ हो गया। तो विश्वनाथ जी ने पहले दिन दो मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले ड्रॉ रहे, लेकिन दो मुकाबले विश्व के जो यूएसए की टीम थी और ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम थी उनके नंबर एक खिलाड़ी के साथ खेले और दोनों खिलाड़ियों को पहले बोर्ड पर अच्छे तरीके से ड्रॉ पर रोका। पहला मुकाबला नाकामुरा के साथ ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छा था, ये जो मुकाबला था इसमें कुछ गलतियाँ हुई लेकिन रज्जबोव ने गलतियाँ और की और आनंद जी ने जो एफ फाइव चाल चली वो काम कर गई और मुकाबला ड्रॉ रहा। तो भारत के लिए एक अंक निकाला, महत्वपूर्ण अंक था, उम्मीद है कि उनका ये फॉर्म इस टूर्नामेंट में बरकरार रहेगा और अभी 8 राउंड और खेले जाने हैं तो उसमें विश्वनाथ आनंद जी जरूर और अच्छे मुकाबले उनके हमको देखने के लिए मिलेंगे। देखते रहिए चेस पीस इंडिया, चेस पीस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।
तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।